ठीक है, वेलकम बैक टू चैनल। मैं चैनल ब्रोस में आपका स्वागत है। मैं आपको दोस्त सत्यम सो गाइस एक न्यू गेम खेलेंगे जिसका नाम है टुमोरो, जो कि ऑनलाइन सर्वाइवल जॉम्बी गेम है। चलिए इस गेम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस जल्दी जल्दी करेक्टर को कस्टमाइज कर लेते हैं हम लोग। ब्लैक कलर ज़्यादा सूट कर रहा है इस पर, बाकी सब तो छपरे जैसा लग रहा है। सोया हुआ था भाई, ऐसे में कैसे काम चलेगा? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि सफलता हाथ ना लगे। तो भाई इसको तो ये देखो गोचू को, भाई तू सरवाइव कर लिया भाई। बेचारा अभी भी नींद में है भाई। गेम के ग्राफिक्स तो कहना पड़ेगा बहुत अच्छा है। छोटे डिवाइस में इतना जो बढ़िया बढ़िया गेम चल रहा है मानना पड़ेगा। What the hell is that thing? फटाफट सब कलेक्ट करते हैं भाई। पत्थर उतर कुछ हथियार हथियार रखो तो भाई सही जाम भी आ गया। बताओ तेरी भैंस की बड़ा खतरनाक था। देखने में तो उसका हड्डी ही लग रहा है। भाई ज़्यादा पेड़ वर्ड तो किसी नहीं करें, पर ये गेम है तो यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। एक बढ़िया ऑप्शन ये है कि भैया इसमें क्राफ्ट आफ्ट करने मिल रहा है तो मज़ा आएगा। गेम में थोड़ा लोकेशन बता देता ना कि हाँ क्या करना रहता है, गेम खेलने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो कोई कोई पता ही नहीं चलता है कि करना क्या है, उसमें कहाँ जाएं क्या करें। ओ भाई साहब हिरन, अरे भाई कितना लकड़ी कटाएगा तुम लोग। तो फटाफट चलते हैं न्यू लोकेशन में हम लोग। अच्छा वो घर का कुछ साइन आ रहा है के, तो यहाँ पे अपना हम घर बना सकते हैं। सबसे पहले तो आग जलाना बहुत ज़रूरी है भाई, इसी में जंगली जानवर हमसे दूर रहेंगे, खाना भी हमारा पकेगा। और आग जलता है ना तो भाई कोई रहे चाहे ना रहे सर्वाइव कर लेंगे हम लोग। अच्छा मीट पकाना है हम लोग को, लकड़ियाँ खावल के भाई रेडी है, अब खट्टा खा लेते हैं फटाक से। डिलीशियस। चैप्टर कंप्लीट द वॉकिंग। ओके ओ भाई सब ब्लड, तो ब्लड का पीछा करना है हम लोग को। इतना सारा खून आया कहाँ से भाई? कोई खतरनाक मॉन्स्टर वॉन्स्टर तो नहीं ना है आसपास भाई? किसी को मार वार दिया है इतना खतरनाक तरीके से?
Poor guy. At least this means there are others out there. What's that? Oh, bhai saab, ye to mar gaya bhai. I don't have much strength. I think these are my last words. I tried to find a safe shelter for us but failed. When I started construction, I was attacked by this beast. If you have found it, pass on to me, my beloved, that I love her. भाई तो इसकी कोई वाइफ वाइफ या कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड होगी तो शायद उसको शायद हम लोग खोजते हैं। भाई कोई मॉन्स्टर आके बेचारे को मार दिया और इसकी वाइफ या जो गर्लफ्रेंड है तो उसको हम लोग को शायद फाइंड करना पड़ेगा। और आई होप वो लोग वो लड़की जिंदा हो। भाई बड़ा बुरा लगता है जब कुछ ऐसा सिचुएशन होता है कि दो लव वन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो सामने वाला जब उसकी केयर करते हुए उसको खोजता है बड़ा दुख होता है। तो हम लोग न्यू लोकेशन पे जा रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा हम लोग को। तो नया लोकेशन में आ गए हैं, बैग भी हम लोग बना लिए हैं, कैंप आइसोलेशन। भाई यहाँ पे कुछ ठीक वाइब नहीं आ रहा है, बहुत खतरनाक सा वाइब आ रहा है यहाँ पे, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। द रेडियो डेड एंड यू हैवंट रिटर्न इट, इट्स टू डेंजरस टू बी हियर अलोन एंड विदाउट वर्किंग रेडियो, आई एम रीडिंग टू द पावर स्टेशन, आई शुड फाइंड रिप्लेसमेंट पार्ट्स देयर, विद एनी लक यू विल बी बैक। ओके भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है और वैसे तो नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम फास्ट पढ़ लेते हैं, पर इस टाइप से अगर गेम में ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता तो गैस अभी हम लोग न्यू लोकेशन पे जा रहे हैं, पर तब तो कुछ कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को सरवाइव करने में बड़ा हेल्प करेगी। तो घास फूस तो आपको पता ही है कि कितना काम आता है शेल्टर बनाने में, और शेल्टर के हम लोग को और बेटर करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल शेल्टर तो भैया जॉम्बी में से तोड़ देगा। मशरूम ले लेते हैं, भाई माहौल तो एकदम पूरा शांत सा लग रहा है, ऐसी जगह पसंद है एकदम शांत, एकदम कोई आसपास ना हो एकदम। गाड़ी वाड़ी सब टूट फूट गया है। ओ भाई साहब जगह का तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। आई थिंक वो ये तब का माहौल है ना जब सब नए जो जॉम्बी जब फैला होगा और सब गाड़ी उड़ी लेके अपना जा रहा होगा, इधर उधर भाग रहा होगा और जॉम्बी अटैक कर दिया होगा, तो सही छोड़ छाड़ के तो वो भागना पड़ेगा, फिर मार दिया होगा उन लोग को। पक्का यहाँ पे कोई मॉन्स्टर होगा। पावर स्टेशन आ गए हम लोग, देखो जॉम्बी आया हरामखोर कहीं का। ये वो तो हथियार ही पावरफुल नहीं है ना, बताते हैं लोगों गन वन मिलना चाहिए, खोपड़िया उड़ा देंगे लोगों।
तो हम लोग आ गए हैं गाइस न्यू लोकेशन में, फटाफट से लूट करते हैं, एक एक चीज उठाते हैं हम लोग, क्योंकि भाई Here's something. This got me dead. ओ भाई इसी के लिए तो शायद आए थे हम लोग. What's this? I think so. और बेचारी मर गई. Believe me, you and Call will be safe here at the village with me and Tanner. We have a bite of a boar problem, but at least they are not gone. Their room are for everyone. Okay. भाई मतलब ये एक ऐसा जगह के बारे में बता रही है ना कि वो वहाँ पे हम लोग बहुत कोई एक साथ रह सकते हैं, तो हम लोग को जगह खोजना पड़ेगा. बेचारी ये तो मर गई. तो गाइस हम लोग अपने घर की ओर आ गए हैं. अब थोड़ा सा आराम आराम हम लोग को करना चाहिए. अब तो अपना घर को पूरा एकदम अच्छा खासा बनाना है, एकदम आलीशान टाइप, थोड़ा पावरफुल घर. उसके लिए रिसोर्सेज भी हम लोग को खोजना पड़ेगा. सारा सामान को रख लेते हैं भैया. इसको अपग्रेड हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ सामान वामान है नहीं, तो सारी चीज़ इकट्ठा हो जाएगी तो तब करेंगे. तो गाइस हम लोग को बिल्ड करने में जो सामान घट रहा है हम लोग को इस लोकेशन पे ही मिलेगा. एक भी चीज़ भाई छूटना नहीं चाहिए, सारा एक एक चीज़ चुन चुन के उठाएंगे हम लोग. इधर से चढ़ने को दिखा रहा है, लगता है चढ़ेगा ही, मिट्टी वाली जगह है, टूट टूट जाएगा तो चोट लग जाएगा. भाई मिला तो बहुत कुछ है हम लोग को यहाँ से, थोड़ी और ढूंढा ढाँढी करना पड़ेगा. जैकपॉट. तो चलिए हम लोग कैंप पे चलते हैं, अपना कैंप बनाते हैं. स्पेस काफ़ी अच्छा खासा खुला उल्ला है, तो एकदम बढ़िया से बनाएंगे एकदम घर एकदम.
घर के चारों साइड बाउंड्री भी खड़ा करना पड़ेगा कि ज़ॉम्बी ना आ पाए भाई। घर बनाना है तो भैया लाइफ टाइम के लिए जो चले एकदम अच्छा खासा बना, बढ़िया से बनाना पड़ेगा। वैसे बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे जैसे जैसे सामान हम लोग का इकट्ठा होगा। ओ भाई ख़त्म हो गया मटेरियल, ख़त्म हो गया है। रेन कलेक्टर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं कि पानी वानी बरसेगा तो इस हम लोग का पानी जमा होगा, फिर हम लोग पानी पी सकते हैं गर्म करके। खाया गया तो हम कुछ भी सर्वाइव कर लिए भाई, पानी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ चैप्टर कम्प्लीट, यू आर नॉट अलोन। वो तो हम भाई पता है कि हम लोग अलोन नहीं, जो कि ज़ॉम्बी लोग जो है यहाँ पे आसपास जानवर लोग भी है। मे बी द पर्सन हु रोट द नोट फॉर द मे कैन हेल्प। गाइस जो लड़की मे थी वो हमारी हेल्प करना चाहती है। सो गाइस हम लोग को फाइट के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा क्योंकि कभी भी हमला कहीं से भी हो सकता है। इंसानों का हमला, ज़ॉम्बी का हमला, जानवरों का हमला, सोच रहे चारों साइड से हमला ही हमला। कपड़े पहन वहन लेते हैं, ठंड वंड भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा सेफ भी रहेंगे। नॉट एवरी वन कम्फर्टेबल बट इज होपफुली ऑफर सम प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस मॉन्स्टर्स। या राइट, आई एम फोर्स्ड बाय रिकॉन वर्कड। चलते हैं गाइस हम लोग न्यू लोकेशन पे। तो गाइस ये स्टोरी हम लोग बाद में कंप्लीट करेंगे, तब तक ये टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दे गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी। और थोड़ा सा हम लोग रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि इन्हें सर्वाइव भी करना हम लोग को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।